हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है द लॉजिकल लर्निंग में। आज इस लेक्चर में हम गॉस एलिमिनेशन मेथड को प्रोग्रामिंग में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे ये सीखेंगे। आइए गॉस एलिमिनेशन को प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट करके देखते हैं। डायरेक्ट प्रोग्रामिंग में जाने से पहले इसको हम चेक करते हैं कैसे इस काम एल्गोरिथम लिख सकते हैं। तो मैं एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर ले रहा हूँ। तो यहाँ पर एक हमने एक अननोन वेरिएबल्स की तीन इक्वेशंस यहाँ पे लिखी। इस तरीके से लिखें कि जब हम जनरली प्रोग्रामिंग में इस तरीके से स्टोर करते हैं तो समझने के लिए आपके लिए काफी इजी रहेगा। तो बेसिकली इस प्रॉब्लम को हम तीन पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। तीन पार्ट का मतलब, सबसे पहला पार्ट जो होगा वो आपका इनिशियलाइज करेंगे आप मैट्रिक्स को, इनिशियलाइज मैट्रिक्स। और चाहे तो आप एक प्रॉपर आपके फॉर्म में है यानी उसको आप डिस्प्ले भी कर सकते हैं। वो जो इनिशियलाइज मैट्रिक्स होगा आपका ए, अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूँ, पहले हम एक एग्जांपल के लिए करेंगे तब उसको हम फिर जनरलाइज करके देखेंगे। तो इस एग्जांपल के लिए इसका मतलब, इसका ऑर्डर आपका 3x4 का एक मैट्रिक्स यहाँ पे बन जाएगा और इसको चाहें तो आप इसको डिस्प्ले भी करवा सकते हैं। तो ये तो आपका पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट इसका आपका जो कि अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में, अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में आप इसको कन्वर्ट करेंगे। ये आपका सेकंड पार्ट। जब ये हो जाएगा तो आप इस तरीके से ये मैट्रिक्स बचेगा। तो ये आपका सेकंड पार्ट। और थर्ड पार्ट में आपका क्या होगा, आप बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब, यहाँ से आप x2 की निकाल रहे हैं, यहाँ x2 रखेंगे तो फिर x1, ऐसे ही करते जाएंगे तो आपका जो रिजल्ट मिलेगा वो इस तरीके से मिलेगा x2 x1 x0। अब यहाँ से हम समझेंगे कैसे हम इसके थ्रू प्रोग्रामिंग बना सकते हैं। तो पहला पार्ट तो देखिए आपका बड़ा सिंपल सा है। जब आप इनिशियलाइज की बात करते हैं तो आपको दो फॉर लूप लगाने, इसका मतलब एक जो आपका फॉर लूप चलेगा वो i=0 to 2 आपका जो चलेगा वो, क्योंकि 3 आप 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 0 to 2 चलेगा। दूसरा इसी के भीतर आप लगा लेंगे j=0 to 2, क्योंकि j कॉलम की बात कर रहे हैं तो कॉलम में यहाँ से आपको कॉलम में, क्योंकि 4 है और 3 तक आपको यहाँ पर जाना है तो आपके कॉलम आपको j=0 to 3। तो ये आपको इसलिए मैंने फॉर्म में लिखा है कि आपको इजीली दिखाई दे। रो में आपकी 0 से 2 तक का है, कॉलम में आपका 0 to 3 तक का जा रहा है। यहाँ आप यूजर से वैल्यूज ले सकते हैं और उसको आप डिस्प्ले करवा सकते हैं। अब सेकेंड इसमें जब हम आए तो सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे कि सेकेंड पार्ट में कैसे हम इसको अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अपर ट्रायंगुलर फॉर्म कैसे हम इसको बना सकते हैं, अब इसके लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा कैसे हम इसकी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, हम सबसे पहले यहाँ से फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट करते थे। फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट करके पहली रो के आधार पर इस एलिमेंट को और इस एलिमेंट को हम 0 बनाते थे। जब ये काम पहले कॉलम के लिए कंप्लीट हो गया तब हम सेकेंड कॉलम के लिए मूव करते थे। यानी कि पहला पार्ट हो गया तो हमने पहले इक्वेशन छोड़ दिया, अब हमारे पास केवल यही इक्वेशन बचेगा। हम कंसंट्रेशन का पॉइंट हमारे केवल ये वाला पार्ट था और इसको हम 0 बनाते थे, इस पार्ट a21 को हम 0 बनाते थे। तो इसका मतलब जब हम इस एग्जाम्पल के लिए काम कर रहे हैं तो जो बाहर वाला जो लूप चल रहा है, पहले सबसे पहले एक इस फर्स्ट कॉलम के लिए चलेगा फिर एक दूसरे कॉलम के लिए चलेगा। तो इसका अर्थ है कि मेरे पास एक बाहर वाला जो लूप चल रहा है फॉर, उसको मैं लिख सकता हूँ जे को, अगर मैं कॉलम के लिए दिखा दूँ j=0 to 1, यानी कि ये आपका 0 कॉलम था और ये वाला आपका 1 कॉलम था, तो ये दो कॉलम के लिए आपका चल रहा है। अब जब इसके आप भीतर आ गए, यानी कि पहले वाले जब आप कॉलम पर बात कर रहे हैं तो यहाँ से फिर से आपका लूप चलना है। पहली बार आपकी ये दो वैल्यूज मैं आपकी वर्क होना है और सेकंड टाइम में केवल एक के लिए, अगर ज़्यादा मैट्रिक्स हो तो चलते चले इस तरीके से चलते चला जाएगा। हम कैसे इसको हम अब डिफाइन करें, ध्यान दीजिए मैंने जे कॉलम के लिखा तो ये अगर आप देखें तो जे यहाँ 0 है, अगर जब पहले जे 0 था यानी कि जे आपका 0 0 है तो ये आई की वैल्यू यहाँ पर देखिए 1 फिर 2 तक हो रही है। इसका मतलब 1 कैसे आएगा यहाँ पर आपका, जब अगर जे 0 है तो ये आपका i+1 से आप इसको लिख सकते हैं और i+1 से कहाँ तक जा रहा है मैक्सिमम, ये 2 तक जा रहा है। तो यहाँ भी अगर आप देखिए सेकंड टाइम जब आपने कहा j=1 हो जाएगा 1 1, तो आप इसको एक्सेस करेंगे तो ये i+1। तो इसका मतलब जो भीतर वाला जो हमारा लूप है इसको आप लिख सकते हैं फॉर i=j+1
टू टू, ये मैं एल्गोरिथम के टर्म में लिख रहा हूँ, आप इसको प्रोग्रामिंग में इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये आपको जाएगा जे आई इक्वल टू जे प्लस वन, यानी जे प्लस वन मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर कितनी है, टू है। अब हम क्या काम कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, ये आपने फर्स्ट जब आपका ये लूप चला था उसके भीतर आपका ये लूप चला, इसका मतलब पहले हम इस वैल्यू पे काम कर रहे हैं, अब इस रो पे हमें काम करना है। तो मैंने आपको देखिए बताया था कि इस एलिमेंट को कैसे हमें जीरो बनाना है, इसको हम जीरो बनाने के लिए इसकी हेल्प से बना रहे हैं, फर्स्ट की हेल्प से। इसका मतलब पहले हम जब करते हैं कि आर टू, आर टू माइनस, हम ये कर रहे थे कि कॉन्स्टेंट बना रहे थे, कॉन्स्टेंट का वो कैसे होता है कि ए वन जीरो अपॉन ए जीरो जीरो। यहाँ पर ध्यान दीजिए पहली के लिए जो आपका जो सी अगर कॉन्स्टेंट बनता फर्स्ट वाले के लिए, तो वो होता कि आपका ए वन जीरो अपॉन ए जीरो जीरो, यानी अगर वो रूल में ही लिखता है, सपोज मैं इस रो को आपका आर जीरो से डिनोट कर लूँ, इसको आर वन से, इसको आर टू से, तो पहला जो रूल लिखता कि आर वन, इसको आप रिप्लेस करते आर वन माइनस ए वन जीरो अपॉन ए जीरो जीरो आर जीरो। तो ये जो हमारा सी बनता है, ये बनता है ए वन जीरो अपॉन ए जीरो जीरो। दूसरे के लिए क्या बनता, अगर मैं दूसरे के लिए बनाता तो ये बनता कि ए टू जीरो अपॉन ए जीरो जीरो। सेकेंड वाले के लिए, अगर सेकेंड वाले के लिए आप लिखें इसको आर टू, आर टू माइनस ए टू जीरो अपॉन ए जीरो जीरो आर जीरो। तो इसका मतलब देखिए ए जीरो जीरो होती है तो फिक्स है, यानी ये वाला पार्ट आपका जो है इस कॉलम का ही पार्ट तो आपका फिक्स है। और ये किसके लिए इंडिकेट कर रहा है, बेसिकली ये आपका इस जे की वैल्यू को बता रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये फिक्स है। यानी कि अब आपने जब जे पहले, आप सबसे पहले कॉलम में जब आप थे तो पहले कॉलम में जब आप यहाँ ऑपरेशन लगा रहे थे, इस पहली को आपको बता रहा था, ये आपका फिक्स है, यानी कि ये तो आपका जो है ए जीरो जीरो फिक्स रहेगा। तो इसको हम कैसे, तो हम पहले जो इस कॉन्स्टेंट को कैलकुलेट करेंगे, सपोज मैं इस कॉन्स्टेंट को देता हूँ सी से, तो सी का आपका डिनोमिनेटर का पार्ट तो फिक्स है ए जे जे, ये आपने देख रहे ए जे जे फिक्स है। अब ऊपर वाला पार्ट आप देखेंगे तो वन जीरो है, टू जीरो, यानी किस पे डिपेंड कर रहा है, ये आई पे, यानी कि आई में किस रूप है आप, यहाँ पे हैं यहाँ पे, अगर पहली में थे तो वन जीरो है, दूसरी पे है तो टू जीरो है। तो इसको मैं लिख दूंगा ए आई जे, ये तो आप कैलकुलेट कर लेंगे सी। जब आपका अब सी कैलकुलेट हो गया, यानी कि इसी कॉस्ट आर वन, ये पूरा का पूरा ये जो आपका है ये सारी रो के लिए चलना है, रो का मतलब हर एक एलिमेंट के लिए चलना है इसके। अब हर एक एलिमेंट का मतलब कहाँ से कहाँ तक जाएंगे हम, जीरो से लेके थ्री तक का हम जाएंगे, तो हर एक एलिमेंट के लिए यही हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो फिर से एक आपका फॉर लूप लग जाएगा, यहाँ पर इसको के ले लीजिए, के इक्वल टू जीरो टू आप इसको थ्री तक का कह लीजिए, क्योंकि हमने यहाँ तक का थ्री तक का लिया है। और ये आपका क्या हो जाएगा, क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कैसे आप इसको लिखेंगे, ये आपका हो जाएगा कि ए, अब यहाँ पर जो आपको लिखना है आई के, क्योंकि के हमारा कॉलम के लिए है, आई आपका रो के लिए, और आई यहाँ पर कौन से, ये आप चल रहे हैं जे प्लस वन, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर से आप चल रहे हैं कि आई जो आपकी रो चल रही है उसके लिए हम बात कर रहे हैं। ए आई के इक्वल टू ए आई के, इसको आप बोलते हैं माइनस सी स्टार, ये सी आपने कॉन्स्टेंट ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। और यहाँ पर जो आपका ध्यान दीजिएगा, हम कौन सी यहाँ पर रो की बात कर रहे हैं, हम इस रो की बात कर रहे हैं, आर जीरो की बात कर रहे हैं। तो आर जीरो का मतलब ये हो जाएगा आपका, कौन सी रो की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट जो आपको ये आ जाएगा जे, तो आपका आ जाएगा ए जे के। तो इसकी बात करते, ये फॉर्मूला आपका बनेगा ए आई के इक्वल टू ए आई के माइनस सी स्टार ए जे के, यानी कि आई जिसमें आप करंटली हैं और जे आप जिस कॉलम पर यहाँ पर थे, इस हमने ये लिया है कि ए, यहाँ पर आपका ए जे के, तो आपको कॉलम को दिखा रहा है और जे का मतलब आपके इस फर्स्ट की यहाँ पर, क्योंकि इनिशियली जे की वैल्यू क्या होगी, ध्यान दीजिए अगर पहली बार आप जब आप इस रूम में चल रहे हैं, आई के आपने कहा जे प्लस वन यहाँ पर है, जे कितना हो गया जीरो, तो आपका ये जीरो है तो यहाँ पर चल रहे हैं। सेकेंड टाइम जब आप चलेंगे अलग जे की वैल्यू बन हो जाएगी, तो तब वहाँ पर ये वाला एलिमेंट आपका आएगा। तो ये आपकी इक्वेशन बनेगी ए आई के इक्वल टू ए आई के माइनस सी स्टार ए जे के। तो इसको आप यहाँ पर क्लोज कर दीजिए। तो ये तो आपने क्या किया, यहाँ पर इसको आपने जो है जीरो बना दिया। अब देखिए ये आपका जब चलेगा, जे इक्वल टू जीरो के लिए चला तो यानी इसके लिए चला, जे इक्वल टू वन के लिए चलेगा तो आपका फिर ये बदल जाएगा, यहाँ पर आपका सी नेक्स्ट कैलकुलेट होगा, सी आपका यहाँ पर इसके आधार पर कैलकुलेट होगा, ए टू वन अपॉन ए वन वन ये कैलकुलेट होगा और ये इसको जीरो बनाएगा। ये पार्ट आप जब आप करेंगे तो ये पार्ट में आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा। इसी को हम इंप्लीमेंट करेंगे प्रोग्रामिंग में। कॉस एलिमिनेशन को मेथड को दिया आप देखेंगे तो आप एक रिस्ट्रिक्शन पाएंगे कि ये वाला पार्ट, ध्यान दीजिए कि c इक्वल टू ए आई जे अपॉन ए जी जे, यानी कि जब आप ये ए जीरो जीरो से डिवाइड करेंगे या कभी ए वन वन से डिवाइड करेंगे तो ये जीरो नहीं होने चाहिए, यानी कि ए जे जे इज नॉट इक्वल टू
जीरो, यदि जीरो होगा तो ये डिफाइन नहीं हो पाएगा। इसलिए इसमें आगे गॉस एलिमिनेशन विद पिवट एलिमेंट मेथड डिफाइन की गई है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, पिवट एलिमेंट में आप हर एक, हम यहाँ पर जो आपका ये एलिमेंट जो आपका सबसे वाला डायगनल एलिमेंट का जो फर्स्ट एलिमेंट है या नेक्स्ट टाइम पे ये वाला एलिमेंट आएगा नेक्स्ट टाइम पे, तो ये हम पिवट एलिमेंट कहते हैं। इसको हम इस कॉलम के मैक्सिमम से इंटरचेंज कर दें ताकि यहाँ पे कभी भी जीरो ना आए। ऐसी हर बार हम जो भी आपका पिवट एलिमेंट है उसको मैक्सिमम से इंटरचेंज कर देते हैं। तो अगर आप मैक्सिमम ना भी लें तो आप यदि इसको मैक्सिमम से करें, या फिर आप किसी नॉन जीरो, यानी कि अगर मान लीजिए ए जीरो जीरो अगर जीरो और ए वन जीरो नॉन जीरो है, तो आप इस रो को इस रो से आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं ताकि आपका पीवट एलिमेंट जीरो ना आए। और ये कंडीशन आपकी, अगर जीरो जीरो है तो आपको किसी और रो से इसको इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो ये कंडीशन भी आप इंप्लीमेंट करके देख सकते हैं। अगर यदि आपने ऐसी प्रॉब्लम ली है कि जहाँ ये जीरो जीरो आ रहा होगा तो वहाँ पर ये आपको रन टाइम में एरर दिखाएगा। अदरवाइज इस मेथड को फुल प्रूफ बनाने के लिए आपको यहाँ पर एक कंडीशन चेक करानी पड़ेगी कि ये तभी आपका अप्लाई हो जबकि आपका ए जे जे नॉट इक्वल टू जीरो हो। अगर जीरो हो तो फिर आप दो रो को इंटरचेंज करें, पहले आप देखें कि किस रो पे ये एलिमेंट जो आपका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है जीरो नहीं है, और उस रो से फिर आप पहली इस रो को इंटरचेंज करवा दें। तो इस तरीके से आप इसमें ये रिस्ट्रिक्शन को चेक कर सकते हैं। इसके थर्ड पार्ट हम देखिए कैसे करते हैं। थर्ड पार्ट यानी कि बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन, बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, देखिए अब हम यहाँ पे x1 x2 x जीरो की वैल्यूज निकालनी है। तो पहला तो हम काम ये करेंगे, क्योंकि हमें ये वैल्यूज यूटिलाइज भी करनी है, तो हम सबसे पहला काम करेंगे कि सबसे पहले आप x1 इक्वल टू इनको इनिशियलाइज कर दीजिए, जीरो दिस इक्वल टू x2 दिस इक्वल टू x3, तो सबको इनको आप जीरो इनिशियलाइज कर दीजिए पहला काम। अब देखिए कैसे हम निकालेंगे, मैंने यहाँ पर बड़ा इजीली लिखा हुआ जो आपको बड़ी समझ में आएगा कि प्रोग्रामिंग में कैसे हम लूप लगाएंगे। तो पहले सबसे पहले x2 कैलकुलेट हो रही है, फिर x1 कैलकुलेट हो रही है, फिर x0, इसका मतलब जो हमारा सबसे बाहर का जो लूप चल रहा है वो चल रहा है 2 से लेकर के 0 तक का। तो इसका मतलब हम ये लगा सकते हैं फॉर i इक्वल टू 0 टू सॉरी 2 टू i इक्वल टू 2 टू 0, फॉर i इक्वल टू 2 टू 0, ये 2 से लेकर के 0 तक का चल रहा है। अब हर एक की वैल्यू कैसे कैलकुलेट हो रही है इसको जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए ये पहली वैल्यू अगर आप देखेंगे हर एक में तो ये फिक्स है, और ये वाली वैल्यू भी आपकी फिक्स है। कैसे है? ध्यान दीजिए, अगर ये 2 है यानी आपके यानी कि रो के लिए आपने लिया है ये 2 है, तो यहाँ भी ये 2 है, यहाँ 1 है, ये 0 है तो 0, और ये 3 3 3 है, तो यानी कि ये फिक्स है। और साथ जिसे डिवाइड कर रहे हैं, देखिए ये 2 है तो ये 2 2 है, 1 है तो 1 1 है, 0 है तो 0 0, इसका मतलब अगर ये आई है तो ये आई आई, ये इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब जो चेंज आपका हो रहा है वो चेंज कहाँ पर है, यहाँ से चेंज हो। देखिए यहाँ पर कोई भी टर्म नहीं थी, यहाँ पर एक टर्म है, यहाँ पर दो टर्म है, इसका मतलब कितनी टर्म्स आएंगी ये डिपेंड कर रहा है इस वैल्यू पर। कैसे मालूम चल रहा है, देखिए 2 है तो एक भी टर्म नहीं है, 1 है तो 1 टर्म है, 0 है तो 2 टर्म है, इसका मतलब क्या है कि ये जो हमें यहाँ पे बेसिकली ये सम है, इसको आप देखेंगे माइनस, अगर आप कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा। तो ये अगर आप देखें तो इसका आई वाला पार्ट जो यहाँ है आई है वही है, 0 है, यहाँ भी देखेंगे तो ये 1 है, तो यहाँ तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पार्ट ये वाला पार्ट सेम रह रहा है, बदल जो आपकी रही ये रही, यानी कि 2 फिर 1, यानी कहाँ से हो रहा है, यानी कि अगर आप इसको देखें जब ये आई था तो ये जो वैल्यू जे से यानी कि 2 से स्टार्ट हो रही है, 2 से स्टार्ट होकर के ये डिक्रीज हो रही है, और डिक्रीज होने के बाद कहाँ तक जा रही है, जब तक का कि जे ग्रेटर देन आई हो, यानी कि 0 से ऊपर हो। तो 2 से स्टार्ट हुई पहली वाली आपकी, ये 2 फिर x2 आया, फिर डिक्रीज हुई तो ये 1 फिर x1 आया। अब क्योंकि अगर आपने कहा कि ये आई से ग्रेटर देन होना चाहिए तो 1 ग्रेटर देन 0 कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, अगर इसके बाद डिक्रीज होगा तो 0 इज नॉट ग्रेटर देन 0, तो यहीं पर ही टर्मिनेट हो जाएगा। यहाँ पर भी आप इसको देखें तो 2 से स्टार्ट हुआ, फिर डिक्रीज हुआ 1, लेकिन 1 इज नॉट ग्रेटर देन 1, तो टर्मिनेट हो जाएगा। यहाँ पर आप देखें क्योंकि ये स्टार्ट हुआ आपका, यहाँ पर ये जो आपका है 2 3 है आपका, यहाँ पर ये स्टार्ट हो जाएगा फिर से आपका 2 से, और 2 माइनस 2 आपका कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1 करेंगे 1, तो 1 इज नॉट ग्रेटर देन 2, तो इसका मतलब कोई भी वैल्यू यहाँ पर नहीं आएगी। तो ये आपका जो पहला जो लूप चला हो तो 2 2 0 चला, लेकिन इस सम को निकालने के लिए हमें एक अलग से लूप लगाना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, देखिए पहली बार में तो सम आपका 0 है, तो हम क्या कर सकते हैं इसके भीतर, हम इस लूप के भीतर पहले हम सम को 0 असाइन कर दे रहे हैं। एक मान ले रहे हैं एस, मैंने सम के लिए ले लिया इसको 0, और एक ले ले रहा हूँ मैं जे फॉर, ये मैंने लिया कॉलम के लिए 2, तो हम 2 से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि हम 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए मैंने कंडीशन यहाँ पर हम लगा दी,
वाइल जे इज ग्रेटर देन आई, क्योंकि यहां पर मैं देख रहा हूँ कि जे ग्रेटर देन आई। पहली बार में क्या होगा, ध्यान दीजिए इसको जरा सा, कि जे ग्रेटर देन आई पहली बार में जब आप आपका आई इक्वल टू, यहाँ पर ध्यान दीजिए टू है, जे इक्वल टू टू है, आई इक्वल टू टू, जे इक्वल टू टू, तो जब दोनों आई इक्वल टू जे हो जाएंगे, आई इक्वल टू टू और जे इक्वल टू टू, तो इसका मतलब ये कंडीशन आपकी जे इक्वल टू आई ये वाली आपकी फॉल्स हो जाएगी, तो ये कोई भी लूप नहीं चलेगा, इसका मतलब ये सम आपका एज इट इज रहेगा, तो कंडीशन ही आपकी ये वाली लूप नहीं चलेगा, तो एस ऑटोमेटिक जीरो रहेगा, तो पहली बार में कोई भी टर्म यहाँ पर सब्ट्रैक्ट नहीं होगी। लेकिन जैसे ही आपका आई इक्वल टू यहाँ पर ये आपका वन हो जाएगा और जे इक्वल टू टू से स्टार्ट होगा, तो पहली बार में एक बार, क्योंकि टू इज ग्रेटर देन वन है, तो पहली बार में आपकी एक कंडीशन चलेगी। तो इसको हम कैसे अब लिख सकते हैं, एस इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे एस प्लस, ध्यान दीजिए ये आपको जो चल रहा है, जो सम ये वाला चल रहा है, सम स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, ये आपका किसके लिए आई के लिए है, और ये किसके लिए चल रहा है, जे से चल रहा है, तो आप इसको लिखते हैं एस प्लस ए आई जे हुआ, और इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ध्यान दीजिए ये जो आपका आ रहा है वन 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 जो आपका आ रहा है, क्योंकि जे पर यहाँ पर जो भी अभी आपका चलते चला जाएगा हर एक, ये आपकी ऐसी एंट्री, क्योंकि ये पहली बार में इसका खाली ये वैल्यू आपकी जब आप निकाल रहे हैं, तो ये वन टू एक्स टू, तो ये आपका पार्ट इधर जा रहा है, दूसरी बार में इसका प्लस इसका सम आएगा, तो ये आपका आ जाएगा एक्स जे, ये बेसिकली रिड्यूस हो रहा है, जे की वैल्यू टू, फिर जे की वैल्यू आपने कहा वन, इस तरीके से ये सम आपका चलता चला जाएगा, पहली बार एक्स टू था, फिर ये एक्स वन है, तो ये रिड्यूस होता जा रहा है, तो एक्स जे पहली बार में आपका एक्स टू फिर एक्स वन, अब ये रिड्यूस भी होना है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम पे, पहली बार तो आपका कैलकुलेट हो गया, इसके लिए मान लीजिए अगर आपका यहाँ पर एक ये वैल्यू कम हो जाएगी तो दो बार चलेगा, तो इसको हम क्या करेंगे, जे माइनस माइनस ये भी आप कर देंगे, तो जे इक्वल टू, या ऐसे भी लिख सकते हैं जे इक्वल टू जे माइनस वन, ये भी आप कर सकते हैं, तो ये जब आप काम करेंगे तो ये सम आपका हर एक स्टेप पे कैलकुलेट होगा, और कहाँ तक चलता जाएगा, जब तक का कि आपकी कंडीशन जे ग्रेटर देन आई सेटिस्फाई ना हो जाए। अब जब ये आपका सम कैलकुलेट हो गया, तो हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इसका मतलब अब ये कौन सी है, ये आपकी किसकी वैल्यू कर रहा है, ये सारी वैल्यू आपकी आई की है, तो आप इसके बाहर पे लिख सकते हैं एक्स आई इक्वल टू, आपका यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब ये फिक्स है आपका, ये वैल्यू आपकी आई है और ये फिक्स थ्री है, तो आप इसको लिख सकते हैं कि ए आई थ्री माइनस एस अपॉन ए आई आई, क्योंकि ये आपका जो है आई आपका ये यहाँ पर ये चल रहा है, आई की वैल्यू स्टार्टिंग है टू, तो ये आपका ए आई है, यहाँ दीजिए टू था तो ये टू टू, ये वन है तो वन वन, तो इसलिए ए आई थ्री माइनस एस अपॉन ए आई आई, ये आपकी सारी वैल्यूज इस तरीके से कैलकुलेट करें, तो ये पूरा पार्ट आपका इस लूप के अंदर आएगा, तो इस तरीके से आप इसका बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। एक बार जब आपका बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, इसका मतलब ये सारी वैल्यूज आपकी कैलकुलेट हो गई, और आप इनको लास्ट या फाइनली सारी वैल्यूज को प्रिंट करवा सकते हैं। तो ये मैंने आपको एक एल्गोरिथम बता दी, बड़ा आपके लिए इंप्लीमेंट करना इसको आसान हो जाएगा, जब आप इसको थ्री वेरिएबल के लिए आप जब इसको इंप्लीमेंट करेंगे, तो आप इसको जनरलाइज करना बहुत आसान है, क्योंकि हम यहाँ पर जब थ्री की बात कर रहे हैं, थ्री में आप कोई भी एन ले सकते हैं, एम ले सकते हैं, तो जनरलाइज करना बड़ा आपके लिए आसान हो जाएगा। तो पहला काम इसमें बना के देखिए, देन इसको जनरलाइज कीजिए। हाँ, ये कॉस एलिमिनेशन को प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी इसकी एल्गोरिथम बता दी, तो यहाँ पर मैंने पूरा प्रोग्राम लिखा हुआ है, तो उसी के अकॉर्डिंग बिल्कुल जैसा हमने वहाँ पर किया है वैसे ही यहाँ पर प्रोग्राम को करेंगे। ये सबसे पहले हमने बात की थी कि हम मैट्रिक्स को इनिशलाइज करेंगे, यहाँ पर मैं जो साइज ले रहा हूँ वो 3x4 का ले रहा हूँ, तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर आप बताया था, अगर आपको ध्यान हो कि यहाँ पर मैंने बताया था कि इनिशलाइज करना है 3x4 का, हम सबसे पहले एक मैट्रिक्स इनिशियलाइज करेंगे और उसको डिस्प्ले करेंगे, तो यही काम मैंने किया हुआ है। मैंने तीन यहाँ पर वेरिएबल आई जे के ले लिए जो कि हमारे लूप के काम आएंगे, और एक ए में मैंने इनिशियलाइज कर दिया 3x4 का, और ये सी एस ये भी सारे हमारे जो वेरिएबल है फ्लोट पर यूज आने हैं, तो सी फॉर कॉन्स्टेंट के लिए जो मैंने कहा था वो लिया हुआ है, और ये एस फॉर सम लिया है, और एक्स थ्री मैंने एक की ले लिया जो कि इनिशियलाइज जो x0 x1 x2 की वैल्यू है उनको इनिशियलाइज करेंगे, तो उसके लिए हमने ये ले लिया। यहाँ पर आपको फॉर का लूप लगाना है आई इक्वल टू टू, वैसे ही जे आई 0 to 2, जे इक्वल टू 0 to 3, यूजर से आप ये वैल्यूज ले लेंगे और ये वैल्यूज आप सारे स्टोर करा लेंगे ए आई जे में। ये आपका पार्ट यहाँ पर इनिशलाइज कराने का है, और इसको आप प्रिंट करवा सकते हैं, ये डिस्प्ले करवा सकते हैं, ये मैंने टैब की डिस्टेंस ली ताकि प्रॉपरली आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो, दो टैब की डिस्टेंस ले लिए, तो ये
नेसेसरी नहीं है, ये केवल इसलिए कि आपने जो इनिशियलाइज किए हैं क्या वो प्रॉपर तरीके से इनिशियलाइज आपके हुए हैं या नहीं हुए हैं, ये चेक करवाने के लिए। प्रॉपर से ऊपर एक्स लिखा है, फिर वाई, फिर जेड, और उनके बीच में डिस्टेंस आए, तो उसके लिए यहाँ पर ये लिया हुआ है। तो आप इसको प्रिंट कराने के लिए फिर से आपको वही दो लूप लगाने पड़ेंगे और ये AIJ की वैल्यू प्रिंट कराने पड़ेगी। यहाँ पर आपने न्यू लाइन इसलिए लिया है कि जो भीतर का जो लूप चलेगा, भीतर का लूप का मतलब है वो आपके पहले जीरो के लिए चलेगा, फिर 1 2 ऐसे ही 3 तक, यानी कि आपकी हर एक रो पहले प्रिंट हो जाएगी। एक रो प्रिंट होने के बाद फिर एक न्यू लाइन का करेक्टर प्रिंट होगा, यानी कि अगली रो अगले लाइन में प्रिंट होगी, तो इसलिए न्यू लाइन का करेक्टर यहाँ पर लिया हुआ है। ये आपका पहला पार्ट हो गया। अब आप इसको देखें कि अपर ट्रायंगुलर फॉर्मेशन। अब आप वापस अगर इसमें आए तो जो मैंने आपको बताया था नेक्स्ट पेज पे कि अपर ट्रायंगुलर, तो आप यहाँ पर क्या करें, जे इक्वल टू 0 to 1, ध्यान दीजिए वही मैंने लूप लगाया, जे इक्वल टू 0 to 1, जे प्लस प्लस। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे इसमें तो यहाँ पर आपको हमने लिखा था फॉर आई इक्वल टू जे प्लस 1 to 2, फिर यहाँ पर लिखा था देखिए जे आई इक्वल टू जे प्लस 1 to 2, बिल्कुल जो हमने समझा है वही यहाँ पर हम लिख रहे हैं और सी कैलकुलेट कर रहे हैं, AIJ अपॉन AJJ। देखिए जो यहाँ पर लिखा था सी इक्वल टू AIJ अपॉन AJJ। अब इस कंडीशन को AJJ इज नॉट इक्वल टू 0, इसको भी हम चेक नहीं कर रहे हैं, पहले में मान के चलते हैं कि ये वैल्यू 0 नहीं होगी, इसको हम चेक कर देखेंगे अगर 0 होगी तो क्या इफेक्ट होगा। इसके बाद फिर आपने लूप लगाया फॉर के इक्वल टू 0 to 3, और ये इक्वेशन आपने AIK इक्वल टू AIK माइनस सी ए जे के, यही बिल्कुल आपने यहाँ पर लिख लिया फॉर के इक्वल टू 0 to 3, ये आपने ए आई के, तो ये बिल्कुल जैसा मैंने आपको वहाँ पे बताया था उसी तरीके से मैंने इसको यहाँ पे प्रोग्रामिंग में लिख लिया है। ऐसे लिखने के बाद आप फिर से प्रिंट करवा सकते हैं कि आपकी जो इक्वेशन बची है अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कैसी दिख रही है, तो वो सिंपल सी है, वही लाइन है जैसे मैंने आपको बताया था, और ये आप सिंपल सा दो लूप लगा के सारी वैल्यूज को प्रिंट करवा सकते हैं। यहाँ तक का आपको जो पार्ट है ये अपर ट्रायंगुलर को बनाने वाला पार्ट है। अब आप आए बैक ट्रैकिंग में, बैक ट्रैकिंग फिर से हम वही करेंगे, बैक ट्रैकिंग में जो हमने काम किया था कि यहाँ पर आप देखें सबसे पहले इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो मैंने ये पहले इनिशियलाइज कर ली सारी, जे इक्वल टू 0 to 2 ये मेरे लूप लगा, और एक्स जे सारी यानी कि x0 x1 x2 ये सारी 0 इनिशियलाइज कर दी। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर हमने कहा था आई इक्वल टू 2 to 0 का हम यहाँ पर लूप लगा रहे हैं, तो ये लिखा आई इक्वल टू 0 ग्रेटर देन इक्वल 0, आई माइनस 1 कम होती जा रही है, यानी पहले 2 की निकलेगी फिर 1 फिर 0, ऐसे ये 0 इनिशियलाइज किया 2 लिया, तो वही कंडीशन देखिए आई जे इक्वल टू 0 मैंने आपको बताई थी, वाई जे इक्वल टू 0, ये पूरा का पूरा आप जैसा आपने लिखा है एज इट इज यहाँ पर लगा लीजिए, एस इक्वल टू एस ए आई जे स्टार एक्स जे जे माइनस माइनस, और ये एक्स आई यहाँ पर आपको एक्स आई रूट की वैल्यू कैलकुलेट हो रही है, और यहाँ पर आपको लास्ट में ये आपने इस रूट की वैल्यू इसको प्रिंट करवा देनी है। तो सिंपल जैसे मैंने आपको बताया था वही प्रोग्राम मैंने यहाँ पे बना दिया। तो आइए इसको अगर चेक करें तो मैं ये वाला एग्जाम्पल इस पर ले लेता हूँ, एक ये वाला एग्जाम्पल देखें, तो ये जो एग्जाम्पल है पहले लेके देखता हूँ और फिर इस एग्जाम्पल में लिखूंगा। अगर देखिए दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पर हम ये जब हम ले रहे हैं इसको तो हमारे यहाँ पे कहीं पर भी ए जे जे 0 नहीं आ रहे हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें सेकंड स्टेप के बाद, यहाँ पर देखें सेकंड स्टेप में तो आपको ये इसका कोफिशिएंट 2 दिखाई देगा, लेकिन यहाँ देखेंगे तो वाई यहाँ पर गायब हो जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पर इसका जो वाई का कोफिशिएंट 0 आ जा रहा है। तो ये आपकी जो हमने प्रोग्राम बनाया वहाँ पर ये वाला अगर हम इक्वेशन दें तो प्रॉब्लम करेगा, ये चेक करते हैं, पहले इसको देख करके देखते हैं। तो मैं इसको कंपाइल करता हूँ फिर मैं इसको रन करके देखता हूँ। मैं पहली अगर वाली वैल्यूज अगर मैं देता हूँ तो यहाँ पर अगर आप पहली वैल्यूज दें तो वो थी आपकी 2 3 -1 एंड 5, फिर 4 4 -3 एंड 3, आपके 2 -3 2 एंड फाइनली। ध्यान दीजिए जो आपकी इक्वेशन थी आपकी अगर आप देखेंगे तो इक्वेशन आपकी ये मैंने डिस्प्ले भी करवाई ताकि आपको समझ में आए कि 2 3 -1 5, अगर आप देखें तो 2 3 -1 5, और यहाँ पे आपको देख रहे होंगे इसको अगर आप चेक करें यहाँ पे आपको तो इसी तरीके का आपको ये रिजल्ट दिखाई देगा, ये 2 3 -1 5, 4 4 -3 3 आपने लिए हैं, 2 -3 2 2 2 -3 2 2 आपको दिखाई दे रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो जो ट्रायंगुलर फॉर्म बन रही है इसकी 2 3 -1 5, 2 3 -1 5, 2 1 7, ये आपकी बन रही है -2 -1 7, तो माइनस माइनस क्योंकि हमने यहाँ पर लिखने में इनको सबको माइनस को हमने हटा दिया वो प्लस में आ गए, तो इसलिए इक्वेशन बिल्कुल सेम है जैसी ये है। लास्ट वाली जो आप देख रहे हैं 6y+3z-3, ये आपकी यहाँ पर ये फर्स्ट स्टेप के बाद यहाँ पर जो हमने लिखा है कि 6z = 18, तो ये आपको दिखाई दे रही है 6z = 18, तो ये आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रही है, ये हमने बीच में इंटरमीडिएट फॉर्म लिखी थी।
इसका आप सॉल्यूशन देखेंगे तो एक्स वन वाई इक्वल टू टू, जेड इक्वल टू थ्री, एक्स जीरो वन टू एंड थ्री। तो इस प्रकार से ये आप चेक कर सकते हैं। अब मान लीजिए अगर मैं इस इक्वेशन को देता हूँ तो क्या होता है, मैं इसको मैं चेक करके देखता हूँ। तो मैं अगर इसी को दूँ, मैं फिर से इसको अगर रन करवाऊँ और नई वैल्यू अगर देता हूँ, तो नई वैल्यू वहाँ पर ये है कि वन वन टू फोर, टू टू माइनस वन थ्री एंड थ्री वन वन फाइव। ये अगर मैं देता हूँ, अगर आप देखें इसको, तो अगर आप इसको देखें और ये अगर आप यहाँ ध्यान दें, तो ये देखिए वन वन टू फोर, वन वन टू फोर ये मैंने इक्वेशन दिए हैं, टू टू माइनस वन थ्री, टू टू माइनस वन थ्री, थ्री वन वन फाइव, थ्री वन वन फाइव। और यहाँ पर आप देखेंगे इसके ट्रायंगुलर फॉर्म बन के आ रही होगी, ध्यान दीजिए। तो ये देखिए वन वन टू फोर, वन वन टू फोर है, जीरो माइनस फाइव माइनस फाइव। और ये देखिए यहाँ पर आपका ये जो वैल्यू आ गई है, तो ये रन टाइम पर एरर आनी चाहिए, तो एरर आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। कई कंपाइलर हो सकता है कि रन टाइम आपको एरर भी दिखाए, तो यहाँ पर ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो इसको हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, इसको सॉर्ट आउट करने के लिए इसी में थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा कि जहाँ पर हम ये कंडीशन चेक कर रहे थे, कि जहाँ पर हमने ये लिखा था कि सी ए आई जे डिवाइडेड ए जे जे, इसको हमें चेक करना पड़ेगा। देखिए इसको तो हम कैसे इसको हम कर सकते हैं, थोड़ा सा हम चेंज क्या कर सकते हैं। चेंज करने के लिए मैं थोड़ा बहुत इसमें चेंज कर दिया, कुछ नए मैंने वेरिएबल ले लिए, एक मैंने एक टेम्प्रेरी वेरिएबल भी ले लिया यहाँ पर, एक टी फोर, एक सिंपल वन डायमेंशनल एरे फोर के, ताकि जिसमें हम अगर हमें दो एरे को हमें आपस में इंटरचेंज करना पड़े, तो उसके लिए मैंने एक टेम्प्रेरी टी ले लिया है। और यहाँ पर पी और एम ये ले लिए हैं, ताकि हम उस रो का एक इंडेक्स ले सकें, जिससे रो पे अगर नॉन जीरो मिल रहा हो तो उसके लिए हमने ले लिया है। तो ये दो मैंने एक्स्ट्रा लिए, पी और एम। तो देखिए ये चीज़ सेम है, ये आपका सेम है, यहाँ से अपर ट्रायंगुलर आपका जब आप बना रहे हैं, यहाँ पर देखिए, अब जहाँ पर आपका ए आई जे सिंपल सा आपका सी ए आई जे डिवाइडेड ए जे जे लिखा था, अब मैंने इसमें कंडीशन लगा दी है इफ़ जे जे इज नॉट इक्वल टू जीरो। यदि नॉट इक्वल टू जीरो है तो ही आपका ऐसे कैलकुलेट हुए, यदि ये जीरो है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यानी कि इस जे रो से आगे वाली उसी कॉलम में आगे चलते हुए, जे वाले से आगे चलते हैं, मैं चेक करना पड़ेगा कौन सा नॉन जीरो है। यहाँ पर हम मैंने आपको बताया था कि गॉस जो एलिमिनेशन मेथड है विथ पार्शियल पिवोटिंग, वहाँ पर आप मैक्सिमम से भी आप ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर सिंपल से आपका जो नेक्स्ट नॉन जीरो है उसको ले लिया है। जे से आगे जीरो चल रहे हैं, यानी कि पी जे प्लस वन से कहाँ तक, क्योंकि हमारे मैक्सिमम टू तक का है, टू तक चल रहे हैं, और चेक कर रहे हैं कि कौन सा नॉट जीरो है, तो कौन सा इंडेक्स नॉट इक्वल टू जीरो है, तो पी मैंने इंडेक्स के लिए ले लिया। जहाँ पर हमें मिलेगा जो भी इंडेक्स नॉन जीरो आएगा, वो इंडेक्स हमने किस में स्टोर कर दिया, एम में स्टोर कर दिया हमने, वो वैल्यू मैंने एम में ले ली है। एम यानी कि वाला हमारा इंडेक्स है जहाँ पर आपकी वैल्यू नॉन जीरो है। अब हम क्या करेंगे, तो यानी कि जो जेथ वाली आपका जो रो है, उस रो की सारी वैल्यूज एमथ वाली रो से हम इंटरचेंज करवाएंगे। तो यहाँ पर आपने फिर के जीरो से के थ्री तक का ये ले लिया, जेथ वाली रो की पहले सारी वैल्यूज आपने आप एक टेम्प्रेरी वेरिएबल टी के में स्टोर करा ली, और ये ए जे को अपडेट कर दिए ए एम के से, और वापस आप ए एम के को किस में लगा देंगे, इन टी के से। तो ये दो आपकी जो रो हैं, एक जेथ वाली और एमथ वाली, ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी, इंटरचेंज होंगे। अब आप ये इसको लगा सकते हैं कि सी इक्वल टू ए आई जे डिवाइडेड बाई ए जे जे, अब आप इसको लगा सकते हैं, यहाँ पर आपका दोनों स्वैप हो जाएंगे, तो बाकी आपका प्रोग्राम पूरा एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो आइए देखते हैं इसको भी, इसको अब कंपाइल करवाते हैं और इसको चेक करते हैं कि अगर मैं नई वैल्यू जो मैं दी है उसको दूँ तो ये क्या मुझे दिखाता है। तो यहाँ पर फिर से वही डालता हूँ इसमें, वन वन टू फोर, टू टू माइनस वन थ्री एंड फाइनली थ्री वन वन फाइव। तो अगर अब आप देखेंगे, मैं फिर से आपको वही रिजल्ट दिखाऊं पुराना, और इसके साथ ही मैं आपको दिखाऊं, तो आपको कंपैरिजन यहाँ पे समझ में आएगा। ध्यान दीजिए, ये तो वही है, वन 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 टू फोर एंड टू 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 माइनस वन थ्री, थ्री वन वन थ्री वन वन फाइव। अब अगर आप यहाँ देखें, ध्यान दीजिए ये वाली जो आपको दिख रही है टू वाई माइनस फाइव जेड इक्वल टू माइनस सेवन, ये जो आपको दिखाई देगी ये स्वैप हो चुकी है, यहाँ पर ये आपकी सेकेंड उसमें आ चुकी है, माइनस टू माइनस फाइव माइनस सेवन, और ये वाली जो माइनस फाइव जेड इक्वल टू माइनस फाइव था ये आपका यहाँ आ चुका है, यहाँ आज के ये अब आपका नॉन जीरो हो गया। तो ये प्रॉपरली आपका अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, यानी कि ये स्वैपिंग कर दी हमने यहाँ पर इस अगले नॉन जीरो से इससे, और रिजल्ट आपको यहाँ पर वन 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 ये आपका इसका रिजल्ट है। तो इस प्रकार से अगर कहीं पर आए तो ये आपके परफेक्ट तरीके से बनेगा, यहाँ पर कोई वो चांसेस नहीं रहेगी कि अगर ए जे जे जीरो हो तो आप क्या करेंगे।
तो ये अब आपका पूरा इस तरीके से आप इस प्रोग्राम को बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी मेथड और ये प्रोग्रामिंग इसकी समझ में आ गई होगी। देखिए, इसी प्रोग्राम को यदि आपको जनरलाइज करना है तो यहां पर जो हमने लिया हुआ है n इक्वल टू 3 लिया हुआ है, ध्यान दीजिए। तो 3 वेरिएबल्स के लिए लिया है, तो आपने उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर जो आपने मैट्रिक्स लिया हुआ है, या आपने 3 बाई 4 का लिया, और यहाँ पर जो आपने एरे लिए 4 यहाँ पर साइज के लिए, और ये भी आपने यहाँ पर, क्योंकि 3 वेरिएबल्स है तो यहाँ पर 3 आपने लिया हुआ है, 3 की आपने एरे ली, जिसमें कि x0, x1 और x2 आपके स्टोर हो सके। अब आपको जनरलाइज करने में सिंपल से एक हमें एक्स्ट्रा यहाँ पर इंटीजर वेरिएबल की आवश्यकता होगी, जिसे आप एन कह सकते हैं, जो कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स को इनिशियली स्टोर करेगा। और इस सिंपल से जो आपको वर्क करना है, इस प्रोग्राम में कहीं कोई चेंज एक्स्ट्रा नहीं करना, केवल सिंपल से आपको इतना करना है कि जहां पर आपने 3 लिया है तो वहां पर आप n लिख दीजिए, और क्योंकि आप 3 को n लिख रहे हैं तो इसका मतलब 4n+1 से रिप्लेस होगा, और अगर कहीं 2 है तो 2 आपका n-1 से रिप्लेस होगा, और कहीं 1 है तो आपका वो n-2 से रिप्लेस होगा। तो जहां कहीं भी ऐसे आपको 2 और 3 ये दिखाई दे रहे हैं तो उनको आप अकॉर्डिंगली n-1 या n-2 से रिप्लेस कर लीजिए, तो प्रोग्राम आपका जनरलाइज में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हम सबसे पहले यहाँ पर एक एन यूजर से ले लेंगे, ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पर चेंज किया हुआ है, तो एक एन आपने यहाँ पर एक्स्ट्रा ले लिया और यूजर से आपने एन की वैल्यू यहाँ पर स्टोर करवा ली। तो यहाँ पर आपको देखिए एन और n+1 साइज, यहाँ पर आपका n+1, अगर आप उसको देखेंगे तो ये 4 3 था, तो मैंने इसकी जगह n+1 और एन लिख लिया। ऐसे आप लूप में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फॉर आई इक्वल टू, ये लूप देखेंगे 2 था, तो 2 की जगह यहाँ पे आपका n-1 और 3 की जगह मैंने एन लिख लिया है यहाँ पर। तो सिंपल से आपको यही चेंज करना है। जो एक छोटा सा और देखो, मैं यहाँ पे देखिए, जैसे आप यहाँ पर फॉर आपका इक्वल टू 1 to 2 है, तो यहाँ पर आप डिस्प्ले पे जब जाएंगे देखिए आई इक्वल टू ये 0 to n-1, 2 की जगह n-1 और 3 की जगह n। और ऐसे यहाँ पर देखें आप, जहाँ पे अपर ट्रायंगुलर फॉर्मेशन है, तो जे इक्वल टू 0 to 1 है, तो 1 की जगह यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे n-2 आएगा, तो अपर ट्रायंगुलर फॉर्मेशन में ये n-2। तो इसके हर जगह पे आप जहां जहां पर आपको दिख रहा है पूरा आप चेंज कर दीजिए, प्रोग्राम आपका ये जनरलाइज्ड वे में बन जाएगा। तो इस तरीके से पूरा प्रोग्राम आप जनरलाइज्ड वे में तैयार कर सकते हैं। तो इसको अगर मैं रन करूं तो देखिए फिर से आपको सिंपल से इसमें दिखाई देगा, और पुराना अगर मैं 3 वेरिएबल ले लूं, और वही पुराना एग्जाम्पल अगर मैं ले लेता हूँ, इसी पुराने एग्जाम्पल को मैं ले लूँ, तो यहाँ से वैल्यू मैं ले लेता हूँ 2 3-1 and 5 4 4-3 3 2-3 2 and 2। तो ये आप देखेंगे तो आपको ये 3 वेरिएबल्स के लिए कैलकुलेट करके दिखा रहा है। तो आप यहाँ पर आप 4 वेरिएबल के लिए भी कोई भी इक्वेशन दे सकते हैं जनरलाइज्ड वे में। तो आपको कोई भी प्रोग्राम जब कभी जनरलाइज्ड वे के लिए बनाना हो तो पहले उसका एक एग्जाम्पल लीजिए, और एग्जाम्पल से लॉजिक डेवलप कीजिए कैसे इसका हम इसको जनरलाइज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सिंपल एग्जाम्पल मैंने आपको एक बना के यहाँ पे दिखा दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जनरलाइज कैसे करना है ये भी समझ में आ गया होगा। थैंक यू।